Hello friends, welcome to my channel again. Today I am continuing the fourth part of my marginal costing and it will include important illustrations. So यहाँ पे मैंने अब important illustrations ली हैं जो हमारे university examination में generally appear होती हैं. तो यहाँ पे हमें calculation करना होगा break even sales, margin of safety and sales required to earn profit. तो मेरे पास important information है. We are given two period sale, 2018 sale is given and profits are given. Similarly, 2019 sales and profits are given. अब इस base में हमें calculation करना होगा margin of safety, break even sale and profit required and we have to calculate sales required. कितनी हमें sale चाहिए अगर हमारा profit required that is given. तो ये मैंने इलस्ट्रेशन ली है ताकि एवरी प्रॉब्लम शुड बी क्लियर. हाउ टू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड ब्रेक इवन सेल, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे. तो जैसे हमने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो भी डिस्कस कर ली है लास्ट वीडियो में, ब्रेक इवन सेल के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट रिक्वायर्ड सेल, कितनी हमें सेल चाहिए अगर मुझे प्रॉफिट रिक्वायर्ड है. और मैंने ये सारा डिस्कशन किया रिगार्डिंग मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वी हैव डिस्कस्ड, हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में डिस्कशन किया. अब मैंने इलस्ट्रेशन बनाई है जो हमारा ये डिस्कशन करेगी कि कैसे हम शो करेंगे, कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे अबाउट फिक्स्ड एक्सपेंडिचर आल्सो. फिक्स्ड कॉस्ट की हम कैसे कैलकुलेशन करें अगर फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज नॉट गिवन, अगर वो हमें नहीं गिवन है तो हम फिक्स्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे. तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया था प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो एंड इट वाज माय फोर्थ और फिफ्थ फार्मूला. लास्ट हमने मेथड बताया था पीवी रेशियो के बारे में, वो था चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल इनटू 100. वो जो मेथड है वो कब अप्लाई होता है पीवी रेशियो का, जब हमें टाइम गिवन हो. डिफरेंट ईयर्स आर गिवन एंड वी आर गिवन डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट प्रॉफिट्स आर गिवन एंड वी हैव टू कैलकुलेट पीवी रेशियो, और हमें पीवी रेशियो कैलकुलेट करनी होती है. अब यहाँ पे हमने बड़ा सिंपल फार्मूला लिया, चेंज इन प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100. अगर हम टू इयर्स के डाटा में चेंज को चेक करें कितनी इंक्रीज या कितनी डिक्रीज हो रही है, तो जैसे मैंने प्रॉफिट के बारे में देखा 2018 का प्रॉफिट गिवन है 9 लाख रुपीस और 2019 का गिवन है 13 लाख. इट मींस देयर इज इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ 4 लाख. अगर टू टाइम में देखा जाए तो हमारे 4 लाख का प्रॉफिट जो है दैट इज इंक्रीजिंग. तो हमने फार्मूले में लिया इंक्रीज इन प्रॉफिट दैट इज 4 लाख. अब हमें डिवाइड करना है डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सेल्स और चेंज इन सेल. अब सेल में हमारी कितनी इंक्रीज हो रही है, 2018 में हमारी सेल फॉर्म की गिवन है दैट इज 50 लाख रुपीस एंड इट बिकम 70 लाख इन 2019. इट मींस 20 लाख देयर इज ए इंक्रीज इन सेल. तो हमने चेंज इन सेल में 20 लाख डिनोमिनेटर बना लिया, तो हमारा आंसर बनेगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इनटू 100. यानी प्रॉफिट के चेंज को हमने न्यूमरेटर बनाया और सेल के चेंज को हमने डिनोमिनेटर बनाया. इट मींस दैट विल बी 4 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इनटू 100. तो हमारी जो पीवी रेशियो का आंसर होगा दैट विल बी 20%. इट मींस एनी फर्म हु हैज दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कीप्स पीवी रेशियो ऑफ 20%, उनकी पीवी रेशियो 20% हमने कैलकुलेट कर ली है. अब मुझे जो फार्मूला चाहिए, मुझे जो आंसर चाहिए, आई नीड ब्रेक इवन सेल. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, अगर हमारी पीवी रेशियो अपीयर नहीं हो रही है दैट इज नॉट कैलकुलेटेड एंड दैट इज नॉट आस्क्ड फॉर कैलकुलेशन. अगर हमारे एग्जामिनर ने हमें कैलकुलेशन के लिए नहीं भी कहा, इफ दैट कैलकुलेशन इज साइलेंट, इसका मतलब हमें अपनी तरफ से पहले पीवी रेशियो को कैलकुलेट कर लेना चाहिए. अब इस सम में जैसे मैंने अपनी इलस्ट्रेशन बनाई है, यहाँ पे कहीं भी हमें ये गिवन नहीं है कि हमें पीवी रेशियो को कैलकुलेट करना है, लेकिन आई हैव कैलकुलेटेड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बाय माई सेल्फ. मुझे अपने आप ही प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की कैलकुलेशन करनी थी और आई हैव कैलकुलेटेड बिफोर कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन सेल.
अगर मुझे ब्रेक इवन सेल की कैलकुलेशन करनी है या मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमें प्रूव करना है या रिक्वायर्ड सेल को हमें प्रूव करना है किसी भी फॉर्म में, इसका मतलब है कि पहले कहने से पहले बिना कहे हमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। तो मैंने पीवी रेशियो की कैलकुलेशन यहाँ पे अपने आप ही सेल्फ कैलकुलेशन की है और दैट बिकम्स 20%। अब पीवी रेशियो हमारी कैलकुलेटेड हो गई है 20%। इसका फार्मूला मैं अगेन बताना चाहता हूँ, ये हमने लिया चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल मल्टीप्लाइड बाय 100, ये बना 20%। अब इसमें मुझे चाहिए ब्रेक इवन सेल। अब जैसा कि हमें पता है ब्रेक इवन सेल की जब भी हमें रिक्वायरमेंट होती है वी नीड फिक्स्ड कॉस्ट, लेकिन इस इंफॉर्मेशन में देयर इज नथिंग फिक्स्ड कॉस्ट इज गिवन। यहाँ पे हमें फिक्स्ड कॉस्ट बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही, कहाँ पे है, इट इज नॉट गिवन। इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले मुझे पीवी रेशियो कैलकुलेशन करनी थी, वो मैंने 20% कैलकुलेट की। अब मेरा सेकंड टॉपिक होगा कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अब हमें फिक्स्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है, तो मैं यहाँ पे प्रूव करना चाहता हूँ जितनी फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 2018 में है सेम हमारी 2019 में भी होनी चाहिए, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम। अगर हमें वेरिफिकेशन करनी हो तो 2018 का आंसर बिल्कुल इक्वल होगा 2019 के लिए, दैट विल बी इक्वल। इट मींस एफसी रिमेन सेम, फिक्स्ड कॉस्ट कभी नहीं बदलती, चाहे हम 10 ईयर का डाटा भी निकालें दैट विल बी सेम, क्योंकि इसका नेम ही है फिक्स्ड कॉस्ट। जो 18 का आंसर होगा वो 19 में भी सेम रहेगा, वो हम प्रूव करेंगे। तो अब हम इसमें एफसी की कैलकुलेशन करने वाले हैं, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट गिवन, और उसके लिए मुझे पहले फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेशन करनी होगी, देन आई शैल प्रोसीड विद ब्रेक इवन सेल। उसके बाद हम ब्रेक इवन सेल में प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और देन आई हैव टू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एवरीथिंग वी शैल बी कैलकुलेटिंग। तो सबसे पहले मैंने पीवी रेशियो की कैलकुलेशन की है, मेरा टॉपिक बनेगा कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। अब हमें जैसे कि हमने कैलकुलेट कर लिया कि 20% हमारी पीवी रेशियो है, इस सम के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन की। अब मैंने 20% पीवी रेशियो अगर हम सेल पे अप्लाई करें, यानी सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो, इसका मतलब उसका आंसर होता है जिसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन अगर मुझे डायरेक्ट कहीं पे पहुंचना है, कंट्रीब्यूशन पे जाना है, तो हम पीवी रेशियो सेल्स पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने 2018 की सेल को लिया, दीज आर गिवन 50 लाख रुपीज, और मैंने पीवी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया। पीवी रेशियो हमने कैलकुलेट की थी 20%, तो अगर हम पीवी रेशियो मल्टीप्लाइड बाय सेल करते हैं तो अवर आंसर विल बी कंट्रीब्यूशन। तो मैंने यही किया, 50 लाख सेल पे हमने 20% पीवी रेशियो अप्लाई की, इट मींस वी हैव अर्नड कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 10 लाख, ये मेरा आंसर आएगा कंट्रीब्यूशन के बारे में। हमारी कैलकुलेशन बनती है रुपीज 10 लाख हमारा होगा कंट्रीब्यूशन। अब मुझे 2018 की फिक्स्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन करनी है। अब मैंने कंट्रीब्यूशन पे हम पहुंच चुके हैं और कंट्रीब्यूशन हमारा बनेगा 10 लाख। अब मुझे कैलकुलेशन करनी है फिक्स्ड कॉस्ट। जैसा कि हमें पता है कि कंट्रीब्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, हमने पहले भी कहा था फर्स्ट वीडियो में। अगर हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एस माइनस वी इज इक्वल टू एफ प्लस पी, इसका मतलब है कंट्रीब्यूशन कैसे बना, वो बना है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लेके हमारा कंट्रीब्यूशन बना। अब मुझे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेशन पता लग गई है, दैट इज ए 10 लाख। अगर हम 10 लाख में से पी को माइनस कर दें दैट इज ए प्रॉफिट, इट मींस वी कैन कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमारी इक्वेशन के हिसाब से अब यहाँ पे हम फिक्स्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है सी इज इक्वल टू, यानी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इट मींस फिक्स्ड कॉस्ट विल बी कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट।
तो ये हम इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। अगर मुझे फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए तो वो बनेगा कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। तो यही हमने यहाँ पे किया, कंट्रीब्यूशन मैंने कैलकुलेट कर लिया था 2018 का, दैट वाज 10 लाख। अब हमने उसके प्रॉफिट को माइनस किया 2018 में, तो हमारा जो फिक्स्ड कॉस्ट बनेगा वो बनेगा 10 लाख माइनस 9 लाख इज इक्वल टू 1 लाख। तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का आंसर यहाँ पे आ सकता है, और इसमें हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी निकली हुई है, दैट इज 1 लाख। दैट वाज हिडन कॉस्ट जो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब सबसे पहले हमने पीवी रेशियो को कैलकुलेट किया, उसके बाद हमने एफसी और फिक्स्ड कॉस्ट की कैलकुलेशन की है। अब सेम हम यहाँ पे प्रूव करना चाहते हैं कि 2019 में भी दैट विल बी सेम फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये भी हमें प्रूव करना होता है, बिकॉज एफसी रिमेन सेम ओवर मेनी इयर्स, लगातार ये सेम ही रहती, दैट इज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे अब मैंने एफसी कैलकुलेट करनी है 2019 के लिए, तो मैंने उनकी सेल को लिया 7 जो हमने कैलकुलेट की थी 20%। अगर हम करते हैं सेल मल्टीप्लाइड बाय अगेन पीवी रेशियो, तो जैसा कि हमने पहले कहा था वही आर ऑलवेज एट कंट्रीब्यूशन, तो हम कंट्रीब्यूशन पे होते हैं, तो मैंने किया 20% ऑफ सेल, दैट विल बी 20% ऑफ 70 लाख, तो हमारा कंट्रीब्यूशन बनता है 14 लाख। तो ये हमारा आंसर आएगा कंट्रीब्यूशन। अब हमने कंट्रीब्यूशन को 14 लाख कैलकुलेट कर लिया। अब इसका भी हम फिक्स्ड कॉस्ट देखना चाहते हैं, देयर शैल बी सेम फार्मूला, जैसे हमने कहा था कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, इट मींस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। अगर कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट को माइनस कर दिया जाए तो फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेशन में आ जाता है। तो जैसे हमने 2018 में कैलकुलेट किया, वैसे हम 19 में प्रूव करना चाहते हैं कि वहां भी 1 लाख हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे हमने 18 में प्रूव किया। अब जैसे हमने किया तो ये बनेगा 20% ऑफ सेल, तो मैंने 14 लाख हमारा आ गया कंट्रीब्यूशन। अब हमें करना है एफसी इज इक्वल टू सी माइनस पी, कंट्रीब्यूशन में अगर प्रॉफिट को माइनस कर दिया जाए तो फिर हम आ जाते हैं फिक्स्ड कॉस्ट में। अब 14 लाख हमने कंट्रीब्यूशन लिया, उसमें प्रॉफिट कितना है 13 लाख, जो हमें 2019 में गिवन, पी इज गिवन 13 लाख, इट मींस एफसी विल बी 14 लाख माइनस 13 लाख, दैट विल बी रुपीज 1 लाख। तो इट मींस सेम फिक्स्ड कॉस्ट कैन बी अटेन्ड एज इट वाज अटेन्ड इन 2018। अब 18 में हमारा फिक्स्ड कॉस्ट था 1 लाख, तो सेम हमें 19 में भी 1 लाख ही मिलेगा, इट मींस फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन सेम, जिसको हम कहते हैं हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने मेथड ठीक लिया, हमने कैलकुलेशन ठीक की है। तो ये हमारा 1 लाख 18 में भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट थी, और 19 में भी हमारी एफसी की कैलकुलेशन 1 लाख ही आएगी। तो इसका मैं अगेन सिंपल करता हूँ कि पीवी रेशियो को हमने सेल से मल्टीप्लाई किया, हमने कंट्रीब्यूशन लिया। अब कंट्रीब्यूशन हमने जब फाइंड कर लिया, तो उसमें अगर पी को माइनस हम कर देते हैं, यानी प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, तो हमें मिल जाती है फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमने दोनों तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट को हमने कैलकुलेट कर दिया, दैट बिकम्स 1 लाख। अब हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख अपीयर हो जाती है। अब मुझे कैलकुलेट करना होगा नंबर ए पॉइंट जो हमें चाहिए, जिसको कहते हैं ब्रेक इवन सेल। और ब्रेक इवन सेल वो सेल है, जैसे मैंने पहले कहा था, देयर इज ए नो प्रॉफिट नो लॉस इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड एज मच दीज आर लोअर, ये जितनी ऑर्गेनाइजेशन में कम होगी, बेटर विल बी दी पोजिशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जितना ये लोअर सेल होंगी, जहां पे जितना इनका कम डेस्टिनेशन होगा, लोअर होगा, उतनी ऑर्गेनाइजेशन बेटर होगी। तो इसका मतलब है अब हमें ब्रेक इवन सेल की कैलकुलेशन करनी है, तो इसका फार्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट जो हमने कैलकुलेशन की डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो से अगर हम डिवाइड करते हैं, 1 लाख हमारे पास मिला था फिक्स्ड कॉस्ट, अब हमने डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 20 × 100, पीवी रेशियो हमारी 20% है, इट मींस हमारी जो ब्रेक इवन सेल का आंसर मिलता है, दैट बिकम्स 5 लाख। इट मींस फर्म इज एट ब्रेक इवन व्हेन देयर आर 5 लाख रुपीज ऑफ सेल।
फर्म हमारी ब्रेक इवन में काम करती है, यानी वहां पे उनको ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है जब उनकी सेल होती है 5 लाख। अब हम सेकंड पोर्शन में जा रहे हैं, अब हमें कैलकुलेशन करनी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज द सेफ्टी रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। सेफ्टी हम इसलिए कह रहे हैं कि फर्म हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सेफ है, दैट फर्म इज अर्निंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड दैट इज इंक्रीजिंग एज रिगार्ड टू ब्रेक इवन सेल। यानी जितनी सेल हमारी प्रॉफिट की इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू ब्रेक इवन सेल, दैट विल बी ए बेटर पोजिशन, जिसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कंपनी कितनी, फर्म कितनी सेफ है प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। तो यहाँ पे हमारे दो फार्मूले चलते हैं, सिंपल फार्मूलाज। तो यहाँ पे चलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सबसे पहले हम कहते हैं इसका बड़ा सिंपल बेसिक मेथड है, वो है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। हमें प्रॉफिट गिवन है, तो अगर मुझे 18 का कैलकुलेट करना है तो दैट विल बी 9 लाख हमारा रहेगा यहाँ पे, 9 लाख डिवाइडेड बाई 20 × 100। तो ये हम करेंगे 20 × 100 अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर मिलेगा 45 लाख। तो 2018 के लिए हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा दैट विल बी 45 लाख। ये हमने कैसे किया, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो ये हमारा 45 लाख आंसर होगा, जिसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेम हम 2019 के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, यहाँ पे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है 13 लाख। अब हम करेंगे 13 लाख डिवाइडेड बाय 20 × 100, तो सेम यहाँ पे हमें मिलेगा 65 लाख मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोनों के अलग अलग होंगे, तो इनका आंसर 45 लाख होगा और यहाँ पे होगा 65 लाख। तो मैंने अभी इसी की कैलकुलेशन की है, तो हम इसी को प्रूव करना चाह रहे हैं 18 में। तो हमने जैसे कैलकुलेट किया 45 लाख, एक तो हमारा फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, एक हम सेकंड फार्मूला ये भी लेते हैं जिसको हमने कहा था नॉर्मल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। तो ये भी अगर सेकंड मेथड भी लगाया जाए तो हमारा आंसर सेम ही होगा जो हमने 45 लाख कैलकुलेशन की है अबाउट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब हम 2018 में कहते हैं नॉर्मल सेल गिवन है 50 लाख, अब 50 लाख माइनस ब्रेक इवन सेल। अब ब्रेक इवन सेल हमने कैलकुलेट कर ली है 5 लाख, तो अगर नॉर्मल सेल में ब्रेक इवन सेल को माइनस कर दिया जाए, डिडक्ट कर दिया जाए, तो भी हमें मिलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर हम प्रूव करें, ऊपर हमने 45 लाख कैलकुलेशन की है, अब इसी को प्रूव करते हैं नॉर्मल सेल इज 50 लाख, ब्रेक इवन सेल हमने कैलकुलेट की थी 5 लाख जो हमने अभी कैलकुलेट की है। तो अब हम करते हैं 50 लाख माइनस 5 लाख, तो हमारा आंसर वो बनेगा 45 लाख, दैट विल बी सेम आंसर। तो सेम आंसर हमें 2019 में भी मिलेगा। अब जैसे हमने पहले कैलकुलेशन की थी 65 लाख मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कैसे किया था, हमने किया था प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, यानी 13 लाख डिवाइडेड बाय 20 × 100 करके 65 लाख था। अब सेकंड वे में अगर मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना हो तो हम कहते हैं नॉर्मल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। ब्रेक इवन सेल इनकी भी 5 लाख ही है सेकंड केस में, तो हम करते हैं 70 लाख माइनस 5 लाख। अगर हम 2019 ईयर का करें तो वहां हमें मिलेगा 65 लाख, यानी बोथ वे हेयर मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी 65 लाख। अगर यहाँ पे किया जाए 18 में तो यहाँ आंसर मिलेगा 45 लाख, तो दैट विल बी 45 लाख रुपीज मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट वी आर गेटिंग इन द बोथ मेथड। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है कंपनी कितनी सेफ है, ये मैंने लास्ट वीडियो में ओनली बेसिक मेथड को डिस्कशन में लिया था, आज इसमें मैं थोड़ा इलस्ट्रेशन में प्रूव कर रहा हूँ हाउ टू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्रैक्टिकली, कैसे हम फार्मूला में प्रूव करते हैं, डेटा हमें गिवन है। तो मैंने कैलकुलेट किया मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर बोथ ईयर 2018 में हमारा आंसर बनेगा 45 लाख, और अगर हम 2019 में जाएं वहां पे हमें आंसर मिलेगा 65 लाख। इन बोथ द मेथड सेम मेथड विल बी देयर, आंसर्स विल बी सेम। अब थर्ड हमारी जो पोजीशन है वो है हाउ मच सेल्स वी नीड
टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 5 लाख इन 2018। अगर मुझे 2018 में 5 लाख का प्रॉफिट रिक्वायर्ड है तो मुझे कितनी सेल करनी चाहिए। अब थर्ड हमारे पास आ रहा है और इसका हमने मार्जिनल कॉस्टिंग की एप्लीकेशन में कहा था, अगर रिक्वायर्ड प्रॉफिट हमें गिवन हो तो हम सेल भी कैलकुलेशन में ला सकते हैं, कितनी हमें सेल चाहिए। तो इसका फार्मूला होगा फिक्स्ड कॉस्ट हमें पहले देना होगा प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो हमने पहले ही अपने आप ही कैलकुलेट कर ली है और हमने फिक्स्ड कॉस्ट को भी कैलकुलेट कर लिया बोथ द टाइम के लिए, 2018 के लिए भी और 19 के लिए, जिनका आंसर 1 लाख रुपीज एंड 1 लाख सेम हमें मिला था। अब मुझे करना है रिक्वायर्ड सेल की कैलकुलेशन। तो इसका फार्मूला बड़ा सिंपल है, हम लेते हैं फिक्स्ड कॉस्ट प्लस रिक्वायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब हमारे पास फिक्स कॉस्ट की कैलकुलेशन यहाँ भी 1 लाख है और यहाँ भी 1 लाख है, तो हमने लिया 1 लाख प्लस 5 लाख क्योंकि हमारे पास रिक्वायर्ड प्रॉफिट है 5 लाख। इट इज गिवन इन द इलस्ट्रेशन, कहते हैं मुझे 5 लाख प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब मुझे करना होगा 1 लाख प्लस 5 लाख डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो कितनी होगी, 20 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे हमने 20 से डिवाइड किया मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारा आंसर बनेगा 6 लाख डिवाइडेड बाय 20 × 100, तो ये बनेगा 30 लाख रुपीस जो हमें आंसर मिलेगा, दैट विल बी रिक्वायर्ड सेल। तो इस इलस्ट्रेशन में मैंने बेसिक 3 मेथड्स को प्रूव किया। एक हम करते हैं ब्रेक इवन सेल व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट गिवन। तो हमने लिया फिक्स्ड कॉस्ट अगर नहीं गिवन है सम में, तो सबसे पहले हमें जाना होगा पीवी रेशियो। पहले कैलकुलेशन हमें करनी है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, आफ्टर पीवी रेशियो वी हैव टू गो विद द फिक्स्ड कॉस्ट और आफ्टर फिक्स्ड कॉस्ट वी हैव टू गो विद द ब्रेक इवन सेल, तभी हम ब्रेक इवन सेल को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमने ब्रेक इवन सेल को कैलकुलेट कर लिया तो उसके बाद हम सेल रिक्वायर्ड सेल को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन बोथ द केसेस वी नीड फिक्स्ड कॉस्ट। तो वैसे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी में भी हमें फिक्स्ड कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसका एक सेकंड जो हमारा बेसिक मेथड होता है वो होता है नॉर्मल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल, और ब्रेक इवन सेल तब मिलेंगी जब हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट होगी। तो सबसे पहले मैंने पीवी रेशियो को कैलकुलेट किया, उसके बाद एफसी और फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेशन किया, उसके बाद हमने ब्रेक इवन की कैलकुलेशन की, देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, देन रिक्वायर्ड सेल। तो यही इलस्ट्रेशन मैंने लिया ताकि हमें बिल्कुल क्लियर हो हाउ टू कैलकुलेट द वेरियस मेथड्स विद द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन इन द मार्जिनल कॉस्टिंग। तो फर्दर वी हैव टू टेक मोर इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस रिगार्डिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।